कोऑर्डिनेशन नहीं किया, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के पास है, सीएम के पास अलग डिपार्टमेंट है, सूचना के लिए वो एनसीपी का मामला नहीं। मेरा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो नामदारी गृह मंत्री है और जो कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब जी है, दोनों मिलकर बैठे ना, एक नामदारी गृह मंत्री करके वलसे पाटिल, कार्यकारी गृह मंत्री अनिल परब, दोनों एकत्रित बैठ के काम कर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब जब घटनाएं हुई हैं गृह मंत्रालय की और सीएम की महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, लेकिन उसके दूसरे दिन ही कोई फिर से घटना हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या गृह मंत्री को जब से पद पे आए हैं तब से वो कंट्रोल से बाहर हुई है चीजें? देखो ऐसा है, अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में कानून सुव्यवस्था धोखे में आई है। महाराष्ट्र में आज मंत्रालय जहाँ से जन समस्याओं का समाधान होना चाहिए वो मंत्रालय अब दानादान हुआ है। मंत्रालय के परिसर में दारू की बोतल आ जाती है और आप देखते हो कि अभी तक दारू की बोतल कहाँ से आई, ये हजारों बोतल ये पता नहीं चल सका। अगर दारू की बोतल कहाँ से आई वो पता नहीं चल सकेगा तो हम आतंकवादियों को कैसे रोकेंगे, दहशतवादियों को कैसे रोकेंगे? जिसे हम मुख्यमंत्री जी की छाया कहते हैं, ऐसे हमारे भाई मिलिंद नार्वेकर जी को व्हाट्सएप पे धमकी आई, मुख्यमंत्री जी के घर में रहने वाले को व्हाट्सएप पे धमकी मिलती है, अभी तक धमकी देने वाला पकड़ा नहीं जाता, ये कानून सुव्यवस्था है? अरे आप कंगना रनौत को पकड़ सकते हो, अर्णव गोस्वामी को पकड़ सकते हो, केंद्रीय मंत्री नारायण रानी जी को पकड़ सकते हो, आप धमकी दे सकते हो, मगर मिलिंद नार्वेकर जैसे एक सज्जन व्यक्ति को धमकी देने के बाद उसको पकड़ नहीं सकते? तो ये 15,000 करोड़ के पानी में डालने का काम कर रहे। तो आज कानून सुव्यवस्था की स्थिति बड़ी गंभीर है, अब इसको सुधारने की चेष्टा और चिंतन होना चाहिए। जिस तरह से कल 3 प्रभाग सदस्य निर्णय हुआ था कैबिनेट में, आज कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्या महाविकास आघाड़ी में ही ये अनबन अलवेल? देखो ऐसा है, मुझे लगता है कि तीन आघाड़ी की एक सुकानु समिति है, अब ये सुकातु समिति क्यों एकत्रित नहीं आती ये मुझे तो पता नहीं, मगर मंत्रिमंडल के बैठक में जो प्रस्ताव आता है उस पर चिंतन होता है, चिंतन के आधार पर उसके गुणात्मक पहलुओं पे देखा जाता है और गुणात्मक आधार पर उस पर निर्णय होता है। एक बार निर्णय होने के बाद ये महाविकास आघाड़ी के सरकार का एक मत से निर्णय हुआ ऐसा माना जाता है। अब उसके बाद अगर कोई इस बात को लेकर सरकार की गलतियाँ निकालती है या मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करती है तो ये तो कोई विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी की अच्छी बात तो नहीं है। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की राष्ट्रवादी पे नाराजी, राष्ट्रवादी की शिवसेना पे नाराजी, कौन किसको मिलने के बाद पार्टियों की नाराजी, अभी महत्वपूर्ण बात है कि जनता की नाराजी को दूर करो, इनकी नाराजी आखिरी सांस तक कायम रही तो चलेगी, प्रश्न जनता का है इनके नाराजी का नहीं है। छगन भुजबळ साहेबांची झोप उघडली असेल तर तेही आश्चर्यजनक आहे। राज्य काँग्रेसच्या कार्यकारिणी बैठकीत 3 प्रभागवरून निषेधार्थ ठराव मंजूर केलेला आहे, स्वतःच्याच कॅबिनेटच्या विरोधात राज्यातला काँग्रेस का जाते आता? नाही असं आहे की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये जेव्हा प्रस्ताव येतो त्या प्रस्तावावर सर्वंकष चर्चा व्हावी, त्यामधल्या गुणात्मक पैलूवर विचार व्हावा आणि जी काही भावना आहे ती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये व्यक्त व्हावी ही खरं तर अपेक्षा आहे। पण जेव्हापासून महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तो 28 नोव्हेंबर 2019 हा खरंच या महाराष्ट्रासाठी काळाकुट्ट दिवस होता की महाविकास आघाडीचा जन्म 28 नोव्हेंबर 2019 झाला। आज जनतेची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार काम नाही करत, एकमेकाची नाराजी दूर करण्यामध्येच यांचं राजकीय वेळ खर्च होतो आहे। मंत्रिमंडळाची बैठक जनतेची नाराजी दूर करण्यासाठी, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी, जनतेच्या प्रश्नाची उत्तर शोधण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कमी चर्चा होते, एकमेकाचे पाय ओढण्यासाठी, एकमेकाला उणेदुणे दाखवण्यासाठी, एकमेकाला कमी लेखण्यासाठी आणि एकानी निर्णय केला तो निर्णय कसा वाईट आहे यावर नाराजी व्यक्त करून माझा पक्ष हाच सर्वश्रेष्ठ आहे हे दाखवण्याची यांची जी स्पर्धा आहे, मी ईश्वराच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करतो की
की एकमेकाची नाराजी दूर करण्यासाठी यांनी वेळ खर्च करण्याच्या ऐवजी आज शेतकरी कष्टकरी निराधार विधवा महिला दिव्यांग गरीब दुर्बल शोषित या समूहाची नाराजी व्यक्त नाराजी दूर करण्यासाठी यांनी काम करावं. ठीक आहे मग त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हे मत मांडायला पाहिजे होत. मंत्रिमंडळामध्ये मत न मांडता मौनम सर्वार्थ साधनम ही भूमिका घ्यायची आणि मग बाहेर गेल्यानंतर माझं हे व्यक्तिगत मत होतं म्हणजे मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा सामूहिक निर्णय आणि मंत्रिमंडळात एकदा तो निर्णय झाला तर तो एकमताचा निर्णय आहे असं समजलं जातं. मग मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर माझी भूमिका होती हे मांडण्यामध्ये काही तात्पर्य नाही. यातून या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी चुकीची भूमिका घेतली हा सांगण्याचा प्रयत्न आहे. अभी विशेष अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता है. मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श पे महाराष्ट्र को चलाने की बात करते हैं उनके विचारों के आधार पे महाराष्ट्र हमारे माँ बहनों का सम्मान करने की बात करते हैं रोज कोई ना कोई घटना हो रही है. साकीनाका की घटना हो डोंबिवली की घटना हो आंखों में आंसू आ जाते हैं. विशेष अधिवेशन लेते हुए हमें हम सब लोग कोई भी पार्टी के हो हमने एकत्रित आके चिंतन करने की बात है मंथन करने की बात है मनन करने की बात है. अगर कानून में कोई त्रुटियां है कमियां है उसे दूर करने के लिए काम करने की बात है. हमें अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है तो उसके लिए निधि की उपलब्धता हो सीएफ एडवांस दिया जाए. मगर ऐसे समय पे हमने चांदा से बांदा तक गढ़चिरौली से गढ़इंग्लस तक यहाँ के हमारे माँ बहनों को इस महाराष्ट्र में सुरक्षितता की भावना देने की बात है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा आह्वान करूंगा कि मुख्यमंत्री जी महोदय कौन सी पार्टी इसकी मांग करती है इस पे मत जाइए हम सब साथ में हैं. आप विशेष अधिवेशन बुलाइए. और कुछ मंत्री ऐसे मैंने कुछ नेता देखा है साकीनाका की घटना होने के बाद साकीनाका पे जब बात होने लगी तो ये नेता ये राज्य में ये घटना हुई वो राज्य में ये घटना हुई और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दूसरे राज्यों में कोई घटना हुई है ये बताकर क्या महाराष्ट्र की घटनाओं का हम समर्थन करेंगे. बड़े शर्म की बात है. आज शिवसेना के नेता जो है शिवसेना की महिला जो नेता है वो बोरीली में विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी में उल्टा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी में ही महिलाएं मुद्दा उठाया. मुझे ऐसा लगता है सरकार उनकी है. जनतंत्र में अगर बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति कहीं पे गलत काम करता है 15,000 करोड़ पुलिस विभाग पे हम खर्च करते हैं लाओ पकड़ो कानून के चौकट में ऐसे काम करने वाला कोई भी समाज का हो कोई भी पार्टी का हो कोई भी राज्य का हो उसको आपको सरकार दी है ना. आप आंदोलन कर रहे हो आपकी यही पात्रता है कि सरकार देने के बाद भी सरकार नहीं चला सकते रस्ते पे आके आंदोलन करना पड़ेगा. पकड़ो ऐसा कोई व्यक्ति है तो किसने रोका है. नहीं 15,000 कोटी अपन पुलिस विभागावर खर्च करतो आणि आमचे मित्र माननीय वळसे पाटील हे राज्याचे आता नामधारी गृहमंत्री म्हणून दिसत आहेत. कार्यकारी गृहमंत्री तर अनिल परब साहेब जागे आहेत. आणि मग अशा प्रसंगात मंत्रालयासारख्या ठिकाणी हजारो दारूच्या बॉटल सापडतात आणि आजपर्यंत आरोपी पकडले जाऊ शकत नाही. 200 कोटी रुपये सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च करतो. मिलिंद नार्वेकर ज्यांना माननीय मुख्यमंत्र्यांची सावगी म्हटलं जाते एक सज्जन व्यक्तिमत्व आहे त्यांना धमकी येते व्हॉट्सअपवर आणि धमकी आल्यानंतर अजूनपर्यंत धमकी देणारा पकडला जात नाही. अरे कोण आहे तो त्या व्यक्तीचं नाव पुढे येत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत 3 दशक साथ देणाऱ्या सोबत देणाऱ्या आज त्यांना धमकी दिल्यावर जर पकडल्या जात नसेल तर या सरकारमध्ये कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम आहे असं म्हणायचं.
साखी नाक्यामध्ये अशा पद्धतीच्या घटना होत आहे, डोंबिवलीमध्ये घटना होत आहे, चंद्रपूरच्या भाऊपेठमध्ये सपा सप चाकूचे वार केले जात आहे. 1 तारखेला पोलीस रिपोर्ट दिल्यानंतर पोलीस झोपून आहे. स्वतः सरकार सांगताय चंद्रपूरची दारूबंदी हटवताना की आम्ही अवैध दारू पकडू शकत नाही आणि म्हणून आम्ही दारूबंदीच हटवतोय. जे सरकार अवैध दारू पकडू शकत नाही, मंत्रालयामधल्या दारूच्या बॉटल्स पकडू शकत नाही, मिली नार्वेकर साहेबांना आलेल्या धमकी देणाऱ्याला पकडू शकत नाही, ते या राज्याची कायदा व सुव्यवस्था कशी चांगली ठेवू शकेल, हा एक सामान्य बुद्धीला पडलेला सामान्य प्रश्न आहे. चला नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ओबीसी भाइयों क्या है राजनीतिक आरक्षण के लिए जो जो करना पड़े वो करना चाहिए.